तो गाइस अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वो है दोस्तों चंबल रिवर, यानी कि राजस्थान की सबसे ज्यादा बड़ी नदी। जी हाँ दोस्तों, और इस नदी के अंदर है क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ। और आज का हमारा चैलेंज है, हमारा यानी कि मैं अकेला नहीं हूँ, ये लपूट भी मेरे साथ में है। तो आज हम सबका चैलेंज ये है कि हम दोस्तों इस रिवर के सहारे सहारे यानी कि इसके किनारे रुकने वाले हैं पूरे 24 घंटे। तैयार हो तुम? बिल्कुल। देखो यहाँ पे ना मगरमच्छ, पहले ही बोल देता हूँ गाइस, हमको है ना यहाँ के नोकल वोकल ने मना किया है कि है ना यहाँ पे मत जाना भाई, यहाँ पे मगरमच्छ वगैरह है। तो भी यार पता होगा आपके भाई को तो एडवेंचर पसंद है, और आपका भाई इनको भी लेके आ गया, तो यार खुद तो मरेगा, जो मरेगा इनको भी मरवाएगा। तो तैयार हो ना तुम? यस। तो गाइस आज हम आपको दिखाएंगे मगरमच्छ, भाई ढूंढ के रहेंगे मगरमच्छ को। तो चलिए हमारा चैलेंज स्टार्ट हो चुका है, हम इस नदी के किनारे किनारे रहने वाले हैं कुल मिलाकर। तो यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले तो यार व्यू मारो एक बार इस नदी को, कितनी ज्यादा बड़ी ये नदी है। और अभी तो आगे और जाने वाले हैं भाई, आगे तो और भी बड़ी होने वाली है नदी। ये नहीं है कि ये स्टार्टिंग है भाई, इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, और जो मेन नदी है वो भी है, काफ़ी ज़्यादा ये बड़ी नदी है, इसके अंदर कई सारे डैम वगैरह भी आते हैं। तो चलिए अब हमारा चैलेंज भी स्टार्ट हो चुका है, तो फटाफट से मगरमच्छ ढूंढते हैं सबसे पहले। तो मगरमच्छ पागल है क्या, पता चले इसी के अंदर हो मगरमच्छ क्या? यार डर तो लग रहा है यार। तो भाई है ना, हम लोग है ना मगरमच्छ को ढूंढ रहे हैं इस नदी के किनारे पर, क्योंकि वो यहाँ पर धूप वगैरह सेकना आते होंगे। बाकी आप देखो इस पानी का कलर है, इस पानी का कलर है अभी ग्रीन, और जो मगरमच्छ का कलर होता है वो भी होता है ग्रीन। भाई ऐसा ना हो कि पता ही ना चले और जो हमारा पैर है वो पास में आ जाए और फिर मगरमच्छ हमको खींच कर पानी में ले जाए। बाकी आप आगे देखो पानी कितना ज़्यादा गहरा है देखो, और ये तो है ना सहायक नदी है, इसके अलावा और भी जो ये नदी है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती जा रही है आगे की तरफ। और इस तरीके से इस नदी के सहारे सारे काफी ज्यादा पेड़ पौधे भी है। तो चलिए अब चलते हैं आगे। ओह भाई ये नदी और भी बड़ी हो रही है आगे, तो गाइस काफी ज्यादा बड़ी हो रही है देखो। गाइस हमारे को अभी तक मगरमच्छ तो नहीं मिला, लेकिन अच्छी अच्छी लोकेशन दिख रही है यहाँ पे। आप देखो अब है ना ये नदी किस तरीके की दिखाई दे रही है, कहीं पर छोटी हो रही है, कहीं पर बड़ी हो रही है, कहीं पर और ज्यादा बड़ी हो रही है। भाई चलते जा रहे हैं यार, मगरमच्छ दिख जा। नहीं आएगा वो, आसानी से नहीं आने वाला, ढूंढना तो पड़ेगा यार। गाइस आपको है ना हम मगरमच्छ दिखा के रहेंगे आज, हम नहीं जाने वाले। वही अगर 24 घंटे भी पूरे हो जाएंगे ना फिर भी हम नहीं जाएंगे, इस रिवर के आसपास ही घूमते रहेंगे और आपको मगरमच्छ दिखा कर रहेंगे। मगरमच्छ को बुलाने के लिए तरकीब है। क्या तरकीब है? हमें ना हाथ पे कट लगा के खून को ऐसे, जा 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 ये ट्राई कर, जा अभी अभी ट्राई कर, लगा दे कट लगा दे इसके चाकू से। जो भी अंदर जो भी जानवर होता है ना उसको खून की बदबू आते है ना, तो वो उसके पास आ जाता है। हाँ गाइस ये आइडिया तो मस्त है, लेकिन अभी तक तो ढूंढते है ना, अभी तक तो अपना चैलेंज स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, अभी तक तो ढूंढते हैं यार, जितनी हिम्मत होती है उतनी अपनी पूरी हिम्मत दिखाते हैं और फिर बाद में है ना ये कुछ ट्राई करेंगे हम। गाइस यहाँ पर आप देखो जो ये नदी है ना वो यार कितनी ज्यादा नीचे है, और यहाँ पर पानी भरा हुआ है, मतलब आप समझ रहे हो यहाँ तक इसका बहाव है। ये उसने उसको गीला कर दिया, ये जंगली, इसके खुद के 150 रुपए के जूते खराब हुए। 150 रुपए के जूते? हाँ मैंने ना वो चार पैर वाली दुकान है ना वहां से लिए। चार पैर वाली कौन सी दुकान है? थेला। अच्छा सस्ते होते हैं भाई। लोगों चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है हमारे को, कुछ भी नहीं। ओ यार मगरमच्छ बाद में ढूंढेंगे, पहले चाय बना के चाय पीते हैं। अभी 2 किलोमीटर चला यार, 2 किलोमीटर में ही अभी आराम करेंगे हम। एनर्जी बहुत ज्यादा, गर्मी देख धूप पड़ रही है यार। तो चाय से क्या होगा, कॉफी बनाते हैं। कॉफी? हाँ कॉफी बना लेंगे। चल ठीक है गाइस, थोड़ा आराम करते हैं यार, कॉफी वगैरह बनाते हैं, वहाँ चलते हैं, वहाँ लकड़ी मिल जाएगी अपन को, लेकिन आग नहीं लगनी चाहिए, ठीक है ना? हाँ, आराम से बिल्कुल संभल के। गाइस ये जंगल है और हम इस जंगल का ख्याल रखेंगे, तो वहाँ पे हम बनाएंगे अपनी कॉफी, आ जाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा दूध है ना वो दोस्तों खराब हो जाता है, तो हमने सोचा क्यों ना इसको सबसे पहले यूज ले लिया जाए, और अब हम बनाने वाले हैं इसकी कॉफी ताकि ये खराब भी नहीं होगा, और फिर तो हम अपने मिशन पे निकल जाएंगे और इस नदी के सहारे सहारे रहने वाले हैं आज पूरे 24 घंटे। वैसे तो यार 3-4 घंटे तो हो गए होंगे अपने को, है ना गाइस, काफ़ी टाइम तो हो चुका है भाई, और हमने लगभग 2 किलोमीटर का सफ़र भी तय कर लिया है। अब फटाफट से कॉफ़ी बन जाए, थोड़ी ताकत आएगी, और फिर वापस जो अपना मिशन है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। भाई यहाँ पे आप देखो जो अपनी देसी कॉफ़ी है वो यार बनकर तैयार हो चुकी है, ठीक है यार एक नंबर।
और आपको पता होगा ऐसी जगह है ना, अगर हम कुछ चीज़ बना के उसको है ना टेस्ट करते हैं ना, तो यार जो उसका टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तो यार उसके अंदर जो ये लोकेशन का टेस्ट है ना वो भी मिक्स हो जाता है, और एक तो जो उनका टेस्ट होता है वही तो वैसे ही मिक्स होता है, तो डबल टेस्ट हो गया ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। नदी का पानी डाल दे इसमें, ज़्यादा टेस्टी हो गई। गाइस हम दोनों को ना ज़्यादा जल्दी होती है, तो वो लोग तो अभी तक कॉफ़ी के जो हमने अभी कॉफ़ी बनाई थी ना उसका सामान समेट रहे हैं, और हम दोनों तो अभी आगे आ चुके हैं, तो हम दोनों जो है ना वो नदी के सहारे सारे आगे चलते जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ मगरमच्छ ढूंढने, पानी हमें मगरमच्छ ढूंढना है। मगरमच्छ पानी के अंदर जाऊँ मैं? चला जा, मर गया तो कोई बात नहीं, मगरमच्छ तो मिल जाएगा, उसे ढूंढना है हमें। गाइस यहाँ पे आप लोकेशन देखो, कितनी प्यारी लोकेशन पर हम आ चुके हैं, थोड़ा सा आगे चले और इस वाली लोकेशन पर आ गए भाई लोगों हम, और काफी ज्यादा प्यारी लोकेशन है देखो आप। ओ भाई वॉटरफॉल देखो, वॉटरफॉल कितने प्यारे हैं, एक नंबर। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैं बिल्कुल वॉटरफॉल के पास में आ चुका हूँ, और भाई कितना ज्यादा मस्त लग रहा है ये सीन। भाई मैं पूरा गीला हो गया वहां पे जाके, और वहां पे जो पानी है ना वो क्या एक नंबर चिल्ड है, और उस साइड में पानी आ रहा है लेकिन यार उसका जो भाव है ना वो काफी ज्यादा है, तो इसलिए मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, ऐसा ना हो कि भाई उसके अंदर ही हम आगे चले जाए बहकर। तो गाइस हमने है ना पानी वगैरह भी पी लिया और बोतल भी भर ली है, तो चलिए अब है ना अपने मिशन को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं आगे। चलो 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 करो कमांडर चलो। गाइस अभी है ना हम वॉटरफॉल से काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं, और देखो रास्ता काफी ज्यादा परेशानी हो रही है यार हमारे को, अब हो रहा है रियल चैलेंज, तो पहले तो मजे ले रहे थे लेकिन अब काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। फंस गए, धीरे धीरे निकाल। मिला ही नहीं तेरा मगरमच्छ, कहां छुप के बैठा है यार? पता है नहीं, कोई नहीं, अपन अपना चैलेंज पूरा करते हैं ना, मिलेगा। गाइज हम इतना लंबा सफर पूरा करेंगे इस नदी के सहारे सहारे, कहीं ना कहीं तो मिलेगा, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए अपने को, चलते जाओ। ये क्या है? मगरमच्छ का अंडा, घंटा है मगरमच्छ का अंडा। ये क्या है? पता नहीं क्या है, कुछ होगा। गाइज हमारे को एक मगरमच्छ दिखा है, जी हाँ दोस्तों आगे की तरफ एक मगरमच्छ, बीच में दो है क्या? ओ भाई साहब मोटा है ना, पास में गया है वीडियो शूट करने, वहाँ पे आप देख लो, आपको है ना इस वाले कैमरे में तो नहीं दिखेगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड है, लेकिन उसमें दिख जाएगा भाई। क्रोकोडाइल, वो जा रहा है सच्चे में, मम्मी कसम क्रोकोडाइल, वो देखो वो दिख रहा है भाई साहब, हम खड़े किनारे पे, देखो भाई साहब अभी भी जा रहा, ऊपर नहीं आ रहा, अंदर घुस गया, अंदर चला गया भाई साहब, हमारे सामने से जो है ना किनारे से गया, वो किनारे से दूर चला गया, वहाँ वहाँ पे देखो वापस निकल गया, वापस बाहर आ गया, वापस बाहर आ गया, हल्का हल्का सा बाहर आ रहा है, पूरा अंदर नहीं जा रहा वो देखो, वो शायद नज़र रख रहा है हमारे ऊपर, शायद हमारा ध्यान भटके तो वो वापस इधर आए, या फिर हमारा ध्यान भटका रहा है वो, और उसके और साथी कोई जो है वो इधर आने वाले हैं। तो गाइज मैं पहले तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था क्रोकोडाइल को देखने के लिए, लेकिन अब है ना देखने के बाद में घाट फटके हाथ में आ गई, मम्मी कसम खा के बोल रहा हूँ, वो भी काफ़ी ज़्यादा डर चुके हैं, और अब तो हमारे को डर लग रहा है, एक झलक देखी थी हमने केवल एक झलक, अब तो यार डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ही हम सोने वाले हैं, आपको पता होगा जो हमारा कैंप वगैरह होगा ना वो दोस्तों किनारे पर ही लगने वाला है, और ऐसा ना हो हमला कर दे हमारे ऊपर भाई, ये तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क वाला काम हो गया। पहले आराम से मजे से काफ़ी ज़्यादा हम एक्साइटेड थे कि हम क्रोकोडाइल देखेंगे, लेकिन अब तो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है भाई। ओए साथ में रहना, सब साथ में, सुन लिया तुम लोगों ने, उस चारों तरफ ध्यान रखना। तो गाइस ये तो अभी स्टार्टिंग है, क्रोकोडाइल की केवल हल्की सी हमारे को झलक दिखी है और सब के सब डर गए, अब पता नहीं यहाँ पर और क्या क्या हो सकता है। इस साइड में आप देखो ये पूरा जंगल है गाइस, देख रहे हो ना आप, ये पूरा जंगल है, तो यहाँ पे टाइगर भी हो सकता है, पेंथर भी हो सकता है, सब जानवर है, आगे भी आप देख लो पूरा ये जंगल है भाई, पूरा जंगली एरिया है,
और मगरमच्छ भी है इसके अंदर, पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेंगे भाई। काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी अब तो हमारे को चैलेंज में, और हो रही है। रास्ते भी आप देखो कैसे है, रास्ते पूरे उठपटांग रास्ते। तो गाइस जो सूरज है ना वो डूब चुका है, और अब है ना हमारे को टेंट लगाने के लिए अच्छी लोकेशन ढूंढनी है, लेकिन कोई अच्छी लोकेशन ही नहीं मिल रही है भाई। देखो आप यहाँ पर तो पानी है, और इस जगह तो ऐसे मगरमच्छ बैठे हुए होते हैं, तो कहाँ पर हम लोकेशन ढूंढें? कोई लोकेशन दिखेगी अच्छी थोड़ी नदी से दूर, वहाँ पर हम टेंट लगाएंगे। बाकी इस टाइम आप देखो कैसा क्या जंगल है, खतरनाक है यार ये जंगल तो पूरा का पूरा। सबके अलग डाउन है, कुछ भी नहीं खाया अभी तक तो हमने, केवल एक कॉफ़ी पी थी। ओ भाई साहब देखो रास्ता, ऐसा रास्ता है कुछ तो। कुछ अच्छी लोकेशन हमारे को ढूंढनी होगी ताकि हम कैंप लगा पाए और जो आज की रात है ना वो बिता पाए। देखते हैं अच्छी लोकेशन मिलती है या नहीं। आ जाओ ना, इतने पीछे कैसे रह गए भाई लोगों। अब है ना जो हमारा सफ़र है वो हम यहाँ पर ही रोक रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है भाई। अगर पैर फिसल गया, मैं ना नदी में गिर गए ना, मगरमच्छ है पूरे के पूरे। और किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी कि यहाँ पर आप देखो थोड़ा खुला एरिया आया है, तो हमने सोचा आज रात यहाँ पर ही रुकते हैं, यहाँ पर ही रुकेंगे और कुछ खाना वगैरह भी बनाएंगे। बना लो यार, थक गए पूरे। गाइस जो है ना मगरमच्छ, उसका तो केवल हम आपको आँखें दिखा पाए, थोड़ा सा मुँह दिखा पाए। पूरी कोशिश की थी यार कि उसको पूरा दिखाया, लेकिन नहीं दिखा पाए भाई। बहुत सारे मगरमच्छ थे बाकी, और अभी भी दिखा देंगे कोई बात नहीं। पीछे ही है हमारे मगरमच्छ, अगर भगवान ने साथ दिया तो यहाँ पे आ जाएगा मगरमच्छ हमारे पास में बिल्कुल। मुझे तो नहीं लेके जाएगा, इसको ले जाएगा। हाँ इसको ले जाएगा, ये मोटा है, इसको ले जाएगा। अरे बन गई क्या? अरे रुको थोड़ा टाइम लगेगा यार, जल्दी दे दो यार भाई, भूख लग रही है भयंकर। तगड़े थके यार, रास्ता ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब था यार, इस वजह से ना ज़्यादा हमारी एनर्जी चली गई रास्ता कवर करने में। क्या है ये, बिल्कुल जानवर होकर खाना नहीं देगा कि कभी 5 मिनट रुक नहीं सकते। भूख लग रही है, भूख लग रही है। गाइस अगर किशोर ना हो तो हमारा क्या हो ये बताओ आप कमेंट करके नीचे, भूखे मरे हम यहाँ पर। तो गाइस यही है हमारा सिंपल खाना जो कि हमसे आराम से बन गया और हम खा रहे हैं। थोड़ी बहुत तो एनर्जी आएगी, कोई बात नहीं, और फिर हम सोने वाले हैं। वो टेंट वगैरह तो हम नहीं लगा सकते क्योंकि भाई फिर है ना मगरमच्छ आ जाएंगे यहाँ पर, और कोई लफड़ा वगैरह दिक्कत हो जाएगी भाई। सब बारी बारी जगते रहेंगे, बारी बारी सोने नहीं वाला मैं तो। कोई टेंशन नहीं है गाइस, नींद नहीं होगी तो नहीं होगी पूरी, थोड़ी देर की बात तो है। कल तो वैसे भी चैलेंज पूरा हो जाएगा, कल आराम से जाएंगे घर पे चल के। डर लगता है भयंकर भाई, अब तो है ना मगरमच्छ के नाम से डर लग रहा है मुझे तो। ओ मगरमच्छ हटके पागल है, अभी तो तेरे को भूख लग रही थी, खा लेना चुपचाप, दिख गया वो एकदम से। मैं तो खा लिया, लेकिन ये भाई साहब देखो सो गए सारे के सारे, इनको खाना भी मैं बनाकर खिलाऊं, इनको बर्तन भी धोकर मैं ला के दूं। रुको अभी मजा से खाता हूं इनको। ओ उठो, ये क्या आप धोके लेकर इसको, चल वीरे। मैं नहीं जाऊंगा उसमें। कौन जाएगा? मगरमच्छ है वहां तो मैं जाऊं। तो धो लेना। मेरे को, मैं क्यों जाऊं? ले तेरे साथ चल रहा हूं। नहीं 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 भैया, इनको उठाओ, ये देखो ये दो आधे आधे पड़े पड़े हैं। आ जाना, दोनों साथ चल रहे। दे दे वो ये धोके लाएगा अपन। ये क्या है? ये क्या है? धो भाई इसको। अच्छा सारा काम भी मैं ही करूँ, पता है? कौन सा काम? बोतल में पानी किसने भरा था? प्याज किसने काटी? मैंने। मिर्ची किसने काटी? मैंने। पानी नहीं होता तो ये कुछ भी काम नहीं होता। नदी में जाकर गाइस पानी मैंने भरा था पूरी, है ना मगरमच्छ की नदी थी वो, तो भी मैंने जाके किस थी मुश्किलों से पानी भरा था मैंने। मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं जाने वाला। उसको भेज, ये नाटक कर रहा है, ये सोने का नाटक कर रहा है, इसका काम करवाएंगे इसलिए। ओए जा बर्तन धो के आ जा। गाइस सभी को डर लग रहा है क्योंकि है ना, ओ भाई गाइस हमें ना इस तरीके से आवाज़ कर रहे हैं ताकि है ना जो मगरमच्छ वो पास में ना आए, अगर कोई आसपास मगरमच्छ हो वो तो। और करवाना आवाज़ें, दिक्कत हो जाएगी, अभी लेके चला जाएगा तुम्हें अंदर। फेंको फेंको अंदर यार, ऐसा होता देख लो आप चैलेंज के अंदर भाई। पहले हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि मगरमच्छ देखेंगे, अब फट रही है तगड़ी वाली वो भी। तो गाइस बर्तन वगैरह सारी चीज़ हमने धो ली है और अब है ना यहाँ पर ही सोने वाले हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है यार, यहाँ पे ही सोएंगे, कोई टेंट वगैरह नहीं लगाएंगे ताकि हम चारों तरफ अच्छी तरीके से नज़र रख पाए। मैं तो यहाँ पे बैठूंगा। ध्यान रखना एक साथ कोई भी मत सोना, ठीक है ना? कौन सो रहा है उसकी ध्यान रखना। मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। तुझे नहीं आ रही नींद? ठीक है राज, मुझे नींद आ रही, पहले मैं सोऊंगा यार, भयंकर वाली नींद आ रही है मुझे तो। फाइनली यार रात की 1 बज चुकी है और अभी तक भी हम सोए नहीं है।
किशोर देख सकते हो वहाँ पे ना मगरमच्छ के ध्यान रख रहा है, और भैया और मोनू जो है वहाँ पे सो रहे पीछे आप देख सकते हो। लेकिन नींद किसी को भी नहीं आ रही यार, वो दो जने अभी सो रहे, जब वो उठ जाएंगे उसके बाद किशोर और मैं सोऊंगा और फिर वो लोग ध्यान रखेंगे। हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई ना, बहुत ज़्यादा। अभी तक भी हम नदी के किनारे पे बैठे हैं और ध्यान रख रहे हैं कि यहाँ पे मगरमच्छ ना आ जाए, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है यहाँ पे। तो पता नहीं सुबह तक क्या होगा यार। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और यहाँ पे आप देख लो सुबह के नाश्ते की तैयारी चल रही है। कल हम थे वहाँ पर उस जगह रात में, लेकिन भाई इतना ज़्यादा डर लगा, हमने सोचा क्यों ना थोड़ा ऊपर चढ़ लिया जाए। तो है ना, कल जो आप पहाड़ी देख रहे थे ना, उस पहाड़ी के हम ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, देखो आप, मतलब कि कोई भी डर नहीं है, क्योंकि मगरमच्छ रह गए नीचे, हम रह गए इतने ऊपर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे है ना हम नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर आगे अपने सफ़र पर निकल जाएंगे। और दोस्तों आज हम कोशिश करेंगे आपको पूरा मगरमच्छ दिखाने की। जी हाँ दोस्तों, कल हमने केवल मगरमच्छ का छोटा सा व्यू देखा था, पानी के अंदर था वो और भाई है ना खतरनाक तरीके से तैर रहा था, तो हमने थोड़ा सा देखा था। और आज हम सोच रहे हैं क्यों ना यहाँ पर ड्रोन उड़ाया जाए। और गाइस ड्रोन में तो यार वो 100% दिख ही जाएगा, इस किनारे किनारे हम उड़ाएंगे ड्रोन तो दिख जाना चाहिए। और बाकी फिर हम जो अपना सफ़र है उसको आगे बढ़ा देंगे। और आगे आप देखो गाइस, ये नदी है ना वो यार कितनी ज़्यादा लंबी और कितनी खूबसूरत है यार। ओ भाई साहब, गाइस ये हो रहा है हमारा सुबह का नाश्ता। यहाँ पर है मैगी, ये रही रेड बुल पियेंगे और फिर ताकत आएगी, पूरे सफर को तय करेंगे। जल्दी जल्दी करो, निकलना है हमारे को। तो गाइस हमारा नाश्ता पानी तो हो गया और अब है ना जो हमारा सफर है उसको हम वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी है ना हमने यहाँ पर ड्रोन पे उड़ा के देख लिया यार, लेकिन मगरमच्छ नहीं दिखा। कल तो दिखा था यार, एक झलक कितनी खतरनाक थी भाई, सबके फटके हाथ में आ गई। और अभी है ना पहाड़ी के हम ऊपर चल रहे हैं, थोड़ी देर में वापस पहाड़ी से नीचे उतर जाएंगे। कुछ इस तरीके से देखो नीचे जा रहे हैं धीरे धीरे पहाड़ी के, और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई कितनी गहरी खाई है। ओए गाइस, अगर ये यहाँ पे मर तो जाता ना हम स्टोरी लगाते। ओए स्टोरी में कौन सा गाना लगाते? वो है ना चला गया चांद का आसमान को छोड़ कर। वाह, धड़कन देख, धड़कन देख, वाह भाई वाह, हार्ट बीट गाइस गजब, मर जाता अभी तो यार। ये शूट के अंदर है ना कैप्चर हो जाता है ये नीचे गिरता हुआ। यहाँ से जाता है। ओए रिक्स मत लो, दूर दूर चलो भैया, दूर दूर, तुमसे दूर चलूंगा भाई। काफी ज्यादा हमें सावधानी रखनी होगी इस चैलेंज के अंदर। और पानी है अपने पास या और भरना पड़ेगा नदी के पास से? ओए कितना पानी है अपने पास? आधी बोतल। गाइस अभी है ना हमने मैगी वगैरह बनाई थी तो पानी तो खत्म हो गया। कोई नहीं, पानी तो बहुत है यार, इतना सारा पानी है, भर लेंगे, पानी की क्या दिक्कत है, बाद में जाएंगे ना, वैसे नीचे ही तो जा रही है नदी। तो गाइस अभी है ना जो हमारे कैमरे की बैटरी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो हम आपको कुछ कुछ शूट ही बता पाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि हम ज़्यादा कैमरा ऑन रखेंगे ना तो यार हमारी बैटरी डिश हो जाएगी। काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, चार्जिंग वगैरह का कोई हब नहीं है और पावर बैंक वगैरह सारे डिस्चार्ज, सबके मोबाइल डेड हो चुके हैं। लेकिन अभी तक भी है ना पूरा मगरमच्छ नहीं दिखा, पूरा नहीं दिखा गाइस। छोटी सी झलक तो दिखी थी, लेकिन आराम से घूम रहे हैं रिवर के पास में और सब काफ़ी थक भी चुके हैं। वहाँ पर आप देखो गाइस वो शिप, ये सारे ना मछुआरों की शिप है, लेकिन यहाँ पे मछुआरे नहीं है, पता नहीं कहाँ पे गए हुए हैं। कोई नहीं, आगे देखो, आगे गाइस आगे और भी शिप है, देखो आप यहाँ पे है ना जो मछुआरे वो दोस्तों फिशिंग वगैरह करते होंगे। वैसे यार इतनी बड़ी लंबी चौड़ी नदी है तो होंगे मछुआरे भी काफ़ी ज़्यादा होंगे यहाँ पर। भाई लोगों अब आए हैं हम बिल्कुल पानी के पास में, यहाँ पे थोड़ा कम लग रहा है मगरमच्छ का खतरा, क्योंकि देखो पानी है ना इतना सा ही गहरा है, आगे जाके और भी ज़्यादा गहरा है। लेकिन हम है ना यहाँ पे अब आराम से मुंह वगैरह धोएंगे और यहाँ थोड़ा सा फ्रेश होने वाला है, पूरा दिमाग ख़राब हो गया घूम रहे कब के, हालत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा, थक गए यार है ना, हो गया यार 2 घंटे बाकी अभी तक तो चैलेंज खत्म होने में, 2 घंटे बाकी गाइस, चैलेंज खत्म होने में 2 घंटे बाकी अभी तक तो मगरमच्छ दिख गया ना कल, अभी है ना गाइस हम हमारी रिक्स पर यहाँ पर आए हुए हैं। भाई मगरमच्छ का खतरा बहुत ज्यादा है, फिर भी देखो हम बिल्कुल पास में आए हुए हैं, ध्यान रख रहे हैं पूरी, फटाफट से मुंह वगैरह धोएंगे और यहाँ से भाग जाएंगे फिर। ओए आगे मत जाना ज्यादा,
मगरमच्छ। कहाँ पर है? पागल पागल बना रहा है। ओए ऐसे फालतू वाली मजाक मत करो यार, यहाँ पर भगा भी नहीं जा रहा भाई। ये है ना जो पत्थर, वो बिल्कुल फिसलन भर है, फिसल अगर गिर गया ना सर वगैरह फट जाएगा हमारा। मैंने तो मजाक किया था। ओए अब किधर जाए, आगे ही गाइस, अब आगे ही जाने वाले हैं। देख लो इस नदी का सहारे सहारे यहाँ पे पूरी नदी है और फिर हम आगे की ओर अब बढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे बोटिंग वगैरह है लेकिन यार कोई मछुआरे नहीं दिख रहा है। गाइस ये बोट है ना। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे साथ में हुआ क्या था। जो हमारे स्मार्टफोन थे ना वो तो यार पहले डिस्चार्ज हो चुके थे और जो पावर बैंक थे वो भी दोस्तों पूरे डेड हो चुके थे। भाई लोगों हमने खतरनाक तरीके से उन सबका यूज़ किया था। आपको पता होगा हम नदी के किनारे किनारे थे, कोई भी हमारे पास में पावर सोर्स नहीं था उनको चार्ज करने के लिए। तो इस वजह से जो भी हमारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट थे वो टोटली डेड हो चुके थे। जी हाँ, और लास्ट फाइनली कैमरे के अंदर 18% बैटरी बची थी और उसने भी एंड में धोखा दे दिया भाई, कुछ भी नहीं बचा। अब आप बताओ कि हम कैसे शूट करें भाई। शूट करने के लिए कुछ भी नहीं था हमारे पास में, गोप्रो से लेके कैमरे से लेके इसके अलावा जो स्मार्टफोन था सब कुछ डिस्चार्ज। लेकिन फिर भी है ना हमने चैलेंज को कंप्लीट किया। हम नदी के सहारे सहारे 24 आवर्स रहे और फिर ही हमने नदी को छोड़कर रास्ता चुना। जी हाँ, तो आपको यार आपके भाई के ऊपर ज़रूर भरोसा होगा और उसी भरोसे के आधार पर है ना आपके भाई ने चैलेंज को भी पूरा किया। जी हाँ, तो यार वीडियो को आपको कर देना है लाइक, चैनल पर नहीं हो तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब। बाकी जो भी है यार आपके सामने, अब क्या कर सकते हैं यार। हाँ हमने सोचा पूरा हम शूट करेंगे अच्छी तरीके से लेकिन जो इक्विपमेंट थे वो डिस्चार्ज हो गए, कुछ नहीं कर सकते है। मिलते हैं अब ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।